लड़की ने बोला ओह थैंक यू अब जाओ। तारक मेहता वालों ने कॉपीराइट डाल दिया। स्वयं फ्लाई बीस्ट का वो आ गया, व्यू आ गया। ये तो भाई लेकिन ऐसे भाग के आया है कि बस आतंकवादियों का हमला हो गया और ये निपटने वाला है। आज इंडिया फिर से वर्ल्ड कप हार गई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, जय श्री राम। सो गाइस, आज है संडे और संडे का दिन होता है छोले भटूरे खाने का दिन, तो जा रहे हैं भाई छोले भटूरे खाने। नमन को उठाता हूँ घर से, फिर चलते हैं छोले भटूरे खाते हैं एंड देन फाइनल देखते हैं। अंडर 19 का फाइनल है भाई आज, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये हमेशा फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहाँ से आ जाती है, लेकिन जीतेंगे भाई आज। आज तो जीतना है, इंडिया को जीत के रहेंगे। यहाँ से छोले भटूरे लेना भाई बड़ा मुश्किल होता है, पीछे भीड़ चेक कर लो आप। आज तो टोकन भी नहीं है, पिछले बार टोकन वगैरह थे तो थोड़ा लाइन से तमीज से हो जाता है हिसाब, लेकिन टोकन के बिना तो कोई भी ऐसे ऐसे घुस जाता है। लोग जो है संडे को भी जिम जा रहे हैं और हम यहाँ पे छोले भटूरे खा रहे हैं, ये अलग गिल्ट दे रहे हैं भाई। लो जी भैया, एक प्लेट से गुजारा थोड़ा होता है। आज के दिन को तो भाई पूरा चीट डे बनाएंगे, सुबह छोले भटूरे, अब शाम को कुरकुरी चाप। बड़े टाइम से नहीं खाई थी भाई, ये तो खानी बनती थी भाई। भाई यार, आज इंडिया फिर से वर्ल्ड कप हार गई। अंडर 19 वाला भी नहीं जीत पाया ये, पता नहीं भाई पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेलते हैं फिर लास्ट में आके ऑस्ट्रेलिया टकरा जाती है, फिर सब खत्म हो जाता है। राउंड मारने चलते हैं, बहुत सारे बम फट रहे हैं और स्काई शॉट, तो इसकी फट गई है। ब्रूनो भी ये पार्क से भाग के आ गया, तो मैं भी पीछे आ गया कि ये जाता कहाँ है यहाँ पे, मतलब बीच में कई बार गायब हो जाता है ना, तो कहाँ जाता है ये, यहीं पे कहीं पे बैठता है मतलब ये। लेकिन ये है कौन जो बम फट गया? साला ऑस्ट्रेलिया क्या है क्या, यहाँ इंडिया वर्ल्ड कप हार गया है, बम फट गया लगातार, बताओ दो ही यार, जीती नहीं है भाई इसको, इसने कोई गलत मैच कर दिया भाई। ये तो भाई लेकिन ऐसे भाग के आया है कि बस आतंकवादियों का हमला हो गया और ये निपटने वाला है। पता नहीं कितने जन्मों के बाद आज जाके मैं प्रोटीन पीऊँगा, कब से नहीं पिया पता नहीं, मतलब महीना हो ही गया होगा। हाँ महीना हो गया होगा, महीने से पिया ही नहीं प्रोटीन, तो अभी लेते हैं प्रोटीन। लेग्स करके आया हूँ अभी, लेग्स एंड शोल्डर भाई, बहुत टाइम से ना श्रग्स में कितने गलत मार रहा था, श्रग्स में मतलब आ ही नहीं रहा था यहाँ पे पेन, कुछ फील नहीं हो रहा था, मैं बार बार ऑल्टरनेट एक्सरसाइज ढूंढ जा रहा था कि कोई ऑल्टरनेट हो, लेकिन आज जो लगे हैं ना आज ऐसे लग गए हैं कि कल कंधे टूट जाएंगे पूरे। तो चलो अभी पहले प्रोटीन पीते हैं एंड फिर वीडियो बनानी है आज, एक और रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। एक और बना चुका हूँ, एक तो अभी डाली थी, एक और बना चुका हूँ, वो कल या परसों आएगी, और एक और अभी बना रहा हूँ, ये भी आ जाएगी एक दो दिन में। और भाई अभी जो मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई थी जो अभी डाल चुका हूँ मैं, तो उसमें मैंने टाइटल रखा हुआ था कि गौरव तनेजा जी मतलब फ्लाइंग बीस्ट को हायर किया पायलट के लिए, तो भाई वो सेम मैंने उसमें मतलब टैग करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, तो भाई वहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट का भाई स्वयं ये क्या फंबल मार गया, स्वयं फ्लाइंग बीस्ट का वो आ गया, व्यू आ गया, तो भाई बढ़िया है। वैसे वीडियो तो खैर नहीं देखी होगी, वो तो ऐसे ही बस क्लिक कर दिया होगा कि किसने क्या कौन मेरा नाम यूज़ कर रहा है, ऐसे ही देखा होगा, क्योंकि अगर देखी होती तो शायद कोई रिएक्शन वगैरह भी आ जाता, बट चलो कोई नहीं, दोबारा से टैग कर देंगे, रील पर डालेंगे तब टैग कर देंगे, तो सही है चलो बढ़िया। और ये देखो भाई फ्रूटी का छुटकू पैक 5 रुपये का, ये कितना ही है, ये क्यों ही बनाया वैसे, मेरे को ये समझ नहीं आया, चलो सही है क्यों ही बनाया क्या, मैंने भी तो ले लिया ना, बस और भी ले लेंगे। चलो भाई चलते हैं अब मंदिर की ओर, ट्यूसडे भी गया आज तो मंदिर चलते हैं एंड ब्रूनो को भी देते हैं बिस्किट वगैरह। भाई यार ये यूट्यूब को पता नहीं मेरे से क्या दिक्कत हो गई है आज फिर से, पता नहीं कौन सी मैंने गाइडलाइन ऐसी तोड़ दी इनकी, कि इन्होंने कुछ वो होते हैं एडवांस फीचर्स वगैरह, तो उसका मेल आया हुआ था कि वो एडवांस फीचर्स अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता, जैसे लाइव आना और मल्टीपल वीडियोज़ वगैरह डालना, पता नहीं क्या था, या तो मैं पहले जो लगातार शॉर्ट्स वगैरह डाल रहा था दिन में मेरे ख्याल 7-8 या 10-12 डाल रहा था, तो उस वजह से हुआ या क्या हुआ है पता नहीं, चलो वो तो खैर कोई नहीं। बट अभी जो रिएक्शन वीडियो बनाई है एक और, वो अपलोड करी अभी, मतलब प्राइवेट भी रखी हुई थी, उस पर भी कॉपीराइट आ गया, तारक मेहता वालों ने कॉपीराइट डाल दिया, तो उसको भी थोड़ा सा एडिट करके दोबारा से डालनी पड़ेगी। भाई ये जीने नहीं देंगे मेरे को ना, मेरे को लग रहा है मेरे को रिएक्शन वीडियोज़ और शॉर्ट्स वगैरह के लिए ना अलग चैनल बनाना चाहिए, और व्लॉग के लिए तो यही, तो देखते हैं अभी डिसाइड करते हैं अभी, आपका क्या सजेशन है कमेंट करके बताना भाई।
भैया वहाँ पे टूट डाल के गए हैं और ये दोनों चमगादड़ मेरे पास आ गए हैं। वहाँ पड़ा हुआ है तो वहाँ जाना, यहाँ पे क्या आ रहा है। इतनी गंदी बदबू आती है ना इसके मुंह से, ब्रश करा कर साले। इसको बूंदी का प्रसाद देके देखे खाता है या नहीं, पहले एक देखे देखते हैं। ए ले ब्रूनो खा इसे, नहीं खा रहा। अबे खा ले बेटे, हनुमान जी का प्रसाद है। अरे हाय छोड़ो भाई मत। तो गाइस आ गया मैं जिम से वापस, और भाई आज इतने मस्त सीन चल रहे थे ना पार्क में। मैं बैठा हुआ था, ब्रूनो को बिस्किट इतना ज़्यादा फंबल हो जाता है ना, ब्रूनो को बिस्किट वगैरह देना था। तो हुआ क्या कि एक लड़कियों का ग्रुप था और एक लड़कों का ग्रुप था। तो कुछ दो लड़के आए पहले, उन्होंने ना रोज़ दे दिया ऐसे डायरेक्ट, मतलब जानते वानते नहीं थे। मैं ब्रूनो के साथ खेल रहा था इधर उधर, तो मैंने ऐसे ही ध्यान पड़ गया। तो उसने रोज़ दिया लड़की को, तो उसने दिया, लड़की ने बोला ओह थैंक यू अब जाओ ऐसे बोला, और मैं थोड़ा सा ही मतलब आगे खड़ा हुआ था, तो मेरी एकदम से हंसी छूट गई ऐसे ही, जैसे अभी छूटी है ना सेम ऐसे छूट गई। तो उसने लड़के ने देख लिया, वो वहाँ पर बात करके फिर मेरे पास आया, कहता क्या हुआ भाई। मैंने कहा क्या हुआ, मैं बिल्कुल अनजान बन गया कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं कहता हंस क्यों रहा है। मैं कहा मैं तो अपना कर रहा हूँ, क्या हो गया ऐसी मतलब मैंने टाल दी बात, फिर चला गया वो फिर उसके बाद मैं बैठा हुआ था, रनिंग वगैरह करके बैठ गया था मैं। फिर तो फिर दो लड़के दोबारा से आए, नहीं दो आए या एक आए एक आया था शायद से, हाँ एक आया था। तो उसने उनको प्रसाद दिया कि ये लो प्रसाद, बात करने का बहाना कि बात हो जाएगी प्रसाद के बहाने। तो प्रसाद दिया, उन्होंने ले लिया, फिर साइड में भी शायद से एक दो लड़कियाँ और बैठी हुई थी। तो वो पूछता ही आपके साथ है, वो बोलती नहीं, कहते तो फिर रहन दो रहन दो बोल के चला गया भाई मस्त टाइम पास हो गया आज पार्क में, रोज ऐसे टाइम पास हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो भाई अब करते हैं भाई ब्लॉग को एंड, ऊपर जाके एडिटिंग वगैरह करता हूँ, जो कॉपीराइट आया हुआ है उसको हटाते हैं, एंड कल रिएक्शन वीडियो अपलोड करते हैं ठीक है। और ये व्लॉग परसों देखने को मिल जाएगा, परसों मतलब थर्सडे ना, हाँ थर्सडे ठीक है। सो गाइस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ठीक है, और कमेंट करके वो बात जरूर बताना यार कि दूसरा चैनल मेरे को रिएक्शन वीडियोस के लिए बनाना चाहिए या इसी पे रखना चाहिए ठीक है। कमेंट प्लीज कर देना यार, चाहे सिर्फ इमोजी कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा ठीक है। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।